क्या? किससे बातें कर रही थी? अकेले कमरे में किससे बात करूंगी? कपड़े गीले हो गए थे, मैंने कहा मैं चेंज कर लेती हूँ। तो हाँ, मैंने खुद सुना अपने कानों से, तुम किसी से बातें कर रही थी? मैं कोई बात नहीं कर रही थी, मैं डांस कर रही थी तो साथ में गाना भी गा रही थी। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, माँ बाबा देखते तो फिर डांटते ना। मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगी? मैं काम करती हूँ ना, मैं चली जाती हूँ घर और फिर मैं वापस आके 2 घंटे बाद मिले लूँगी। तुम कहाँ जा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो? और तुम्हें पता है अकेली तुम अभी घर गई तो अब्बा कितना गुस्सा करेंगे? पहले इतनी मुश्किलों से इजाजत मिली थी यहाँ पार्लर आने की। भाई रुक जाओ ना, अभी कहाँ जाने की जरूरत है तुम्हें? 2 गलियाँ दूर है घर, किसी बच्चे के साथ चली जाऊंगी यार। अब देखो ना, यहाँ बैठने से बेहतर है कि मैं जाके अम्मा का हाथ बटा दूँ। तुम्हें पता तो है अब्बा कैसे बौखला देते हैं उनको। तुम्हारे पास एक बहन है जिसका नाम है दुआ, और उसकी हरकतों से तुम अच्छी तरह वाकिफ। छुप छुप के लड़कों के साथ फोन पे बात करती थी ना, उसका नतीजा देख लिया तुमने? भाग गई वो? नहीं, दुआ ऐसी नहीं थी। एक बार मिलने देना, मैं उसको खुद पूछूंगी। उसने दुआ फिजा, उससे मिलना करना तुमने सोचना भी नहीं है, समझी? तुमने उससे बात करने की कोशिश की ना तो तुम्हें वहीं फारिग कर दूंगा मैं। सच तो यह कि मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था ना, तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं बिल्कुल वैसे चाहता हूँ जैसे जैसे तुमने मुझे टूट के चाहा। तुम मुझसे छुप छुप के मिलती थी, वो सब कुछ आज भी मुझे याद है। मैं कुछ भूला नहीं हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी बहन को भी छोड़ना पड़ा ना तो मैं छोड़ूंगा। इसलिए आज तुम्हें पाने के लिए मैं इसे तलाक देता हूँ।